अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अली अजीम फ्रॉम अली अजीम सर्विसेज टीएलसी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर द मोस्ट प्रोमिनेंट वीडियो एंड द वीडियो दैट वाज मच अवेटेड फॉर द क्लाइंट्स एंड द स्टूडेंट्स बिकॉज आई मीन पीपल आर पोजिंग क्वेश्चंस ऑन द पोस्ट एंड इन द कमेंट्स दैट इज देयर एनी ऑप्शन विदाउट आईएलटीएस फॉर द स्टडी वीजा इन ऑस्ट्रेलिया दो आई हैव ऑलरेडी डन अ वीडियो रिगार्डिंग दिस बट दैट वॉज एन ऑर्डिनरी वीडियो वेयर आई यू नो रिकॉर्डेड 5 or 6 minute स्टेटमेंट अबाउट द स्टडी वीजा इन ऑस्ट्रेलिया विदाउट आईएलटीएस लेकिन आज इसको मैं एक एक्सप्लेनेटरी नोट पे आपको बताने चाह रहा हूं कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टडी वीजा करना चाह रहे हैं और आपके पास आईएलटीएस नहीं है देन ऑब्वियसली देयर इज अ चांस टू गेट दिस द स्टडी वीजा फॉर ऑस्ट्रेलिया लेकिन इसके स्पेसिफिक बैरियर्स हैं इसके स्पेसिफिक प्रीरिक्विजिट्स हैं जिन्हें मीट करना आपके लिए बहुत जरूरी होता है एंड आई वुड से दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट टू कीप इन योर माइंड कि जब आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हो तो इन पाकिस्तान देयर इज ओनली वन फेमस कैटेगरी ऑफ द ऑस्ट्रेलियन वीजा और दूसरे नंबर पर जो कैटेगरी है वो विजिट वीजा का है फर्स्ट नंबर पर जो कैटेगरी है दैट इज सब क्लास 500 कैटेगरी जो सब क्लास 500 कैटेगरी है That is the category for the student visa or study visa. जो second category जो बहुत popular or famous category है from the Australian perspective, that is subclass 600 category. तो जो 600 category है, that belongs to the tourist visa, जिसे आप visit visa बोलते हो. So obviously जो visit visa है, उसपे आने वाली series में for my YouTube channel, so I have planned to record such videos which really can help you a lot and to the great extent that you guys can apply for the visit visa subclass 600. But when it comes on the study वीजा सब क्लास 500 तो एक क्वेश्चन आता है जैसे अभी हमारी पोस्ट होती है हमारे पेज पे या सोशल मीडिया पे जब पोस्ट जाते हैं तो उसमें एक लाइन लिखा हुआ आता है दैट यू कैन अप्लाई द स्टडी वीजा ऑफ ऑस्ट्रेलिया विदाउट आईएलटीएस तो आज हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि विदाउट आईएलटीएस ऑस्ट्रेलियन स्टडी वीजा किन प्रीरिक्विजिट्स को मीट कर करके पॉसिबल है एंड व्हाट एक्चुअली आर द स्लॉट्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर गेटिंग वीजा फॉर ऑस्ट्रेलिया विदाउट आईएलटीएस देखिए ऑस्ट्रेलियन एजुकेशनल फ्रेमवर्क जो है या ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क अगर आप इस वीडियो से पहले 3-4 वीडियोस जाएं तो मैंने बहुत डिटेल के साथ ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क को डिस्कस किया जहां लेवल 1 से लेवल 9 तक जाके मैंने एक्सप्लेन किया कि जो यू नो फ्रॉम द सर्टिफिकेट 1 to the level 9 जब वो अपने डिग्रीज के लिए जाते हैं तो ऑब्वियसली उन्हें किस तरह से ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क को समझना होता है सो लेट मी टेल यू वन थिंग हियर जब आप अप्लाई करते हो पाकिस्तान से सो देयर इज एन ऑप्शन फॉर द पाकिस्तानीज एंड इंडियन कैटेगरी स्टूडेंट्स के वो ऑस्ट्रेलिया में विदाउट आईएलटीएस अप्लाई कर सकते हैं विदाउट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अप्लाई कर सकते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मींस यू कैन अप्लाई ऑस्ट्रेलिया विदाउट आईएलटीएस यू कैन अप्लाई ऑस्ट्रेलिया विदाउट पीटी यू कैन अप्लाई ऑस्ट्रेलिया विदाउट टफल यू कैन अप्लाई ऑस्ट्रेलिया विदाउट कैम्ब्रिज यू कैन अप्लाई ऑस्ट्रेलिया विदाउट सीएई यू कैन अप्लाई ऑस्ट्रेलिया विदाउट टॉय यू कैन अप्लाई ऑस्ट्रेलिया विदाउट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बट देयर इज अ बैरियर आई मीन देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग दैट वील हैव टू मेक Try to apply the Australian visa with our IELTS. अब वो understanding क्या है इसको once and for all समझ लीजिएगा. You really have to keep the fact in your mind. अब एक ऐसा student जो fresh intermediate करके, जो fresh grade 12 करके, जो fresh O levels करके हमारे पास पहुंचता है और हमें कहता है कि Australia में without IELTS में जाता हूं. This is not possible for that client. ये आप grade 12 का बात करते हो. जब आप grade 12 यानी अपने FS से आईकॉम से एफए से यू नो प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल ओ लेवल से ए लेवल से फ्री होते हो या एएस से फ्री होते एंड यू ऑल द वे कॉन्टेक्ट एस कि मैं ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना चाहता हूं विदाउट आईएलटीएस ये पॉसिबल नहीं रहता है ग्रेड 12 के लेवल का जो इसके इक्विवेलेंट यू नो सर्टिफिकेशंस हैं वहां पे आप विदाउट आईएलटीएस ऑस्ट्रेलिया अप्लाई नहीं कर सकते यस आप ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर सकते हो अगर आपका
ऑनर डिग्री, यानी आप ऑनर ग्रेजुएट हो पाकिस्तान से. इफ यू आर एन ऑनर ग्रेजुएट फ्रॉम पाकिस्तान, देन यू कैन अप्लाई ऑस्ट्रेलिया विदाउट आईएलटीएस. आपको ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन जो फ्रेमवर्क है या ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज हैं, मैं अभी बता रहा हूँ ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज कौन से, तो ऑब्वियसली वो आपको एक चांस देते हैं कि आप अपने यू नो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस एजुकेशन दैट इज बेस्ड ऑन द इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश इन इंग्लिश you know instructions, you know you can apply the Australian universities for the master's program. तो अगर आपका पाकिस्तान में honor graduation है, आप पाकिस्तान से honor graduate हो, ठीक है, honor graduate हो, जैसे BScS किया हुआ है, BB honors किया हुआ है, आपने you know bachelor of science in accounts and finance पढ़ा हुआ है, आपने let's say कोई भी 4-year प्रोग्राम पाकिस्तान से पढ़ा हुआ, देन यू आर एलिजिबल फॉर यू नो गेटिंग एडमिशन इन ऑस्ट्रेलिया विदाउट आईएलटीएस. अब इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, आई मीन यू कैन क्लेम, आई मीन यू कैन अप्लाई एनी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया फॉर विदाउट आईएलटीएस. आई मीन इफ यू अप्लाई एनी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया विदाउट आईएलटीएस, दे प्रोबेबली क्लेम द इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट एट द टाइम ऑफ द वीजा सबमिशन. वो बोलेंगे it's okay, we can assess you on the basis of your medium of instruction, lekin later on jab aap apne GT pe aoge ya embassy mein application lodge karoge, then you'll have to attach IELTS with that. To yaad rakhiye, kuch specific universities hain jaise UTS in search, UTS, yeah, jaise UTS University Technology Sydney, not UTS in search. UTS in search actually is a pathway you know institution that belongs to University Technology Sydney. UTS aapko Sydney mein leta hai, aur uske baad in Melbourne you have the Deakin, in Perth you have the Curtin, and in the Perth you have the Western Australian University, West, you know, University of Western Australia. So I mean these are the specific number of universities, 3 or 4 universities that can take you with our IELTS. And if they take you without IELTS, it means you are qualifying for them, you know. Or jab aap without IELTS kisi Australian university pe apply karte ho, to wo university jo Australia mein hai, there must be a level 1 university. Yaad rakhiyega, there must be a level 1 university. Wo university level 1 university hona chahiye. Level 1 university kya hota hai? In my next recordings, I'm going to tell you, of course, about the level 1 universities. But of course, when you talk about the Pakistanis, my dear, so Pakistanis can apply Australia without IELTS. There is an option without IELTS. And if you are willing to apply without IELTS, you're going to contact Elysium Services TLC. And I'll wait for your documents and the CV. So there is a WhatsApp number of mine in the description. You guys can contact me and I'll be definitely assessing your application without any cost. So we are providing the quality services for about 14 to 15 years and we are waiting for your CV to assess for without IELTS option in all over Australia. So we do have all the universities on our panel and we do have the kind of experience of 14 years that we can assess your application and can tell you whether you can get visa for without IELTS or not. Yaad rakhiye, without IELTS Australia mein apply karne ke liye teen char bahut important factors hain jo zehen mein rakhna. Number 1, aapka CGPA, that must be 2.6 or more than 2.6, and number 2, which is so much important, is that the age of your account, that must be, you know, 6 months. Aapka age of account, I'm not talking about blocking the money in that account. You can block the money in the recent grounds, but age of account, that must be more than 5 or 6 months. Or obviously another thing which is so much important, there are some universities that are going on the Skype and they are interviewing you to assess your English proficiency. But we are here aapke interview ki preparation ke liye, aapke qualification or qualifying process ke liye, we guide you all the way ki aapne kaise wahan pe qualify karna hai. And the only thing that you are away from applying with our IELTS to Australia is sending your CV to me. Aap description mein dekhiye, you have the WhatsApp number and you can contact us and you can send your CV for the assessment. Aur ek aur cheez jo main shayad skip kar gaya lekin aapko batayenge zarur jab office visit karenge, aur wo cheez hai कि आपका जो क्वालिफिकेशन है, जो आपने 4-year ऑनर डिग्री पढ़ा, कोशिश करें कि वो 1 or 2 years के अंदर हो, 24 months के अंदर हो, तो ही यूनिवर्सिटीज आपको रीसेंट स्टूडेंट कंसिडर करती हैं. सो थैंक यू वेरी मच एंड लेट मी टेल यू वन थिंग हियर, दैट इफ यू वांट टू बी so much successful in your life, the most important thing is that you need to realize that you can do that. You need to expect the abundance and you need to let go and let good. You need to keep faith, and the faith
with the help of the persistence. Or agar aap persistence ke saath nahi chalte ho, you cannot achieve your goal in your life. Ali Azim from Ali Azim Services TLC, waiting for your queries. If you want to apply with our IELTS in Australia, we can scrutinize your application, we can examine your application, we can assess your application. I'm waiting for your response. Thank you really very much.